और ये याद रखिए, दूध पढ़ना ये लगभग पर हमारे लिए बारिश की बरकत भी है और बारिश की निजात भी है। बुजुर्ग पढ़ाते हैं कि नौजवान कभी कभी नदी पर दूध को सलाम करता है, कुछ सुंदर बरत आवाज से करता है। उसके बिहार में आपने देखा उसका नाम राज कर दिया, अचानक मेरे साथ क्या मामला किया। लेकिन नदी पर बरत आवाज में उनको सलाम करने की बरकत से हमने देखा किया। नदी पर बरत आवाज से खून पर मुझे नदी का आवाज में कृपा किया है, किरण को ले लिया था पटका है। राजा ने कभी काम का बरत आवाज से पढ़ना हमारी आवाज नदी में तक तो नहीं पहुंच सकती। और शायद कह दो कि बरत आवाज से दूर से कैसे खड़े होंगे, इतनी जोर से दूध पड़े, इतनी जोर से दूध पड़े कि तुम्हारी आवाज मदीना मुनव्वरा में नदी के नदी मत कर सकता है। आगे प्रभु है, हमारी नाक वहां तक पहुंच जाती है, आवाज हमारी नहीं पहुंचती। लेकिन जब के कायनात ने अपने महबूब को ये कुदरती समाज बताती है, कहता मेरे नदी का गुलाम दुनिया की उनकी सुनते नदी पर दूध और सलाम करे तो नदी अपने मदारे को दरबारों की आवाज को सुन लेते। नदी की शान है, हमारे ये ताकत नहीं कि हम अपनी आवाज को नदी में पहुंचा दें। लेकिन नदी की शान ये जरूर है कि नदी नदी में बैठकर हमारी आवाज को खुद सुन लेते। और इसीलिए कहने वाले ने कहा था, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले होगा हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानी को पेश किया।
आदरणीय मौलाना काफी रहमतुल आलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जब जिहाद का फतवा दिया तो अंग्रेजों ने आपको काफी का हुक्म सुना दिया। तो जब आपको काफी का हुक्म सुनाया गया और आपको फांसी देना था तो फिर उस वक्त आपने कलाम लिखा। आप कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा, अगर बाकी होगा तो मेरे नबी का दीन है। अभी कहते हैं हम सभी खुला रहन दो, खुला रहन दो। खुतबे के बाद मैंने जिस आए मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अद जाअकुम मिन अल्लाह ज़ुहूर, तहकीक आ गया अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की तरफ से एक नूर, अल्लाह की तरफ से एक नूर। अल्लाह की तरफ से क्या आया? एक नूर आया। अब ये नूर क्या है? हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफस्सिरीन कुरान के आप फरमाते हैं कि यहाँ पर नूर से मुराद नबी मुकर्रम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इसके अलावा शुमार हदीसीन कराम ने, मुफस्सिरीन कराम ने जब उनसे सवाल किया गया कि हजरत बताएं हैदर यहाँ नूर से मुराद कौन है, नूर से मुराद
कौन है? क्योंकि ईमान को पुत्री ने कराम रहे, कसर के साथ को पुत्री ने कराम रहे, जो अहले हक है उन्होंने फरमाया कि यहाँ नूर से मुराद नबी मुकर्रम रहमत आलम क्यों यावर मियां कहाँ हैं? नहीं उठा जब मैं कह रहा तुझे और रखा देखो उधर और रखा हो अरे उठा ले काम ले जा क्यों तुम ले जाओ तुझे तो तुम